हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही प्यारा इंडोर प्लांट्स, ये हमारा है कट लीव्स वाला, इसके विषय में बात करूँगी। इसको मॉन्स्टेरा का प्लांट्स बोलते हैं। और देखिए इसकी नेचर की देन, देखिए कितनी सुंदर इसकी इस तरह की लीव्स कट होती हैं। जब इसमें लीव्स निकलती हैं तब तो ये छोटी छोटी होती हैं, तब इसमें ये कट नहीं बने होते हैं, और बाद में जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है इसमें कट बनते जाते हैं। तो ये एक इंडोर प्लांट्स है फ्रेंड्स, और इसे धूप नहीं पसंद है, धूप में इसके किनारे जलने लगते हैं। आप इसे इंडोर में डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह रख सकते हैं। एक्चुअली में ये ऐसी एरियाज़ के प्लांट्स हैं जहाँ बहुत ही पानी बरसात होता है, बहुत ही पानी बरसता है, तो वहाँ के ये प्लांट्स हैं। और इस ये उस तरह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, एक बेल की तरह जाते हैं, जैसे मनी प्लांट की बेल जाती है, देखिए इस तरीके से ये ऊपर चलते चले जाते हैं। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्लांट होते हैं। आप एक बार, मेरा बहुत पुराना प्लांट्स हो गया, इससे मैंने कई और भी प्लांट्स ग्रो करे हैं, तो ये बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट्स है। बस थोड़ा सा गर्मियों में इसके ध्यान रखना है, इसको मॉइस्चर पसंद है, क्योंकि रेनी एरियाज़ के ये प्लांट हैं, तो इसके चारों ओर मॉइस्चर बना के रखना है, पेड़ों के झुंड के बीच में रख देना है। ये तो इसकी लोकेशन की बात हो गई है। मिट्टी हम इसके लिए वेल ड्रेन तैयार करें, अच्छी सी मिट्टी जैसे हम लोग तैयार करते हैं, और इसकी बहुत कम केयर है, बस केवल इसको थोड़ा धूप से बचाना है। सुबह की छंती हुई धूप पड़ जाए, सर्दियों में पड़े कोई दिक्कत नहीं, गर्मियों में, वैसे भी गर्मियों में मई जून की गर्मियाँ हम लोगों के यहाँ इधर इतनी ज़्यादा होती हैं कि उस समय हर प्लांट्स को बहुत ही देखना पड़ता है, इंडोर प्लांट्स को खास तौर से, कोई अंदर रखने से ही नहीं होता है, वो जो हीट स्ट्रोक होता है उससे भी हमें बचाना पड़ता है, उसके लिए हमें इनको नमी वाला वातावरण देना पड़ता है, तो चारों ओर इनके मॉइस्ट रहे। तो इनकी इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। और फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इसे में हम लोग जब लगाते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग की खाद मिला करके लगाते हैं, और बीच में भी फरवरी और सितंबर में हम इसमें डालते हैं खाद, बीच बीच में हम थोड़ी बहुत लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए हम इसमें छिड़कते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो पेस्ट अटैक नहीं होता है, बाकी इसमें पेस्ट वगैरह लगता नहीं है। और जब ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो इसका वेट ज़्यादा होता है, तो इस तरह से देखिए हमने ये एक मॉस स्टिक लगा रखी है, इस स्टिक में हमने बांध दिया है, बिल्कुल इसको मनी प्लांट की तरह इसकी बेल ऐसी ऊपर बढ़ती है, और इसे देखिए इस तरीके की ये रूट्स लंबी लंबी ये ऐसे लगती हैं जो नीचे की ओर गड़ जाती है, तो सपोर्ट इसको मिलता है, और सपोर्ट के लिए हमने ये बांध दिया, नहीं तो वेट पा के इसका ये गिरने लगता है। इसकी लीव्स बहुत सुंदर लगती है। हमारे नए भाई बहन जिन्होंने नहीं लगाया है और जिनको इंडोर प्लांट्स की ज़रूरत है, तो वो इस प्लांट्स को ज़रूर लगाएं, इस नर्सरी से इसको ले आए और लगाएं। बस इतनी ही इसकी केयर है फ्रेंड्स, और कोई ख़ास केयर नहीं है, बस इसको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना आती हो, इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखें, मॉइस्ट इसको अपने आसपास का एटमॉस्फेयर पसंद है। और देखिए ये कितना प्यारा प्लांट है, मॉन्स्टेरा का प्लांट इसको बोलते हैं। ये देखिए कट लीव्स प्लांट है, इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ये देखिए नई एक लीफ निकली है, ये देखिए ये, और इसके किनारे ऐसे जलने लगते हैं, क्योंकि ये वाला प्लांट देखिए, ये देखिए इस तरीके से, यदि धूप मिलेगी तो इस तरीके से ये जलने लगता है, तो धूप से थोड़ा इसको बचाना है। इस तरह का हो जाए तो आप कट कर दें इसको इस तरीके से, और पानी छिड़काव दे करके इसको, गर्मी में छिड़काव को दे करके पानी दें। इस समय तो बरसात का मौसम है, बरसात में तो ये बहुत ही अच्छा अपने यहाँ चलता है, क्योंकि रेनी एरियाज का ये प्लांट ही है, और रेन फॉरेस्ट वगैरह में ये पेड़ों के नीचे वगैरह काफ़ी मात्रा में लगे रहते हैं। आप भी इसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।